इंद्री के बाल्मीकि चौक के पास एक मोबाइल की दुकान में देर रात अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर लाखों रुपयों का सामान पर हाथ साफ कर दिया है। चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर कार्रवाई को अंजाम दिया। दुकान के मालिक अंकित ने बताया कि वो रोजाना की तरह अपनी दुकान को बंद करके गया था। रात को चौकीदार ने सूचित किया कि उसकी दुकान का शटर टूटा हुआ है। जब मैं दुकान पर आया तो मैंने देखा कि चोर दुकान का शटर तोड़कर अंदर दाखिल हुए थे और उन्होंने दुकान से मोबाइल, लैपटॉप व मोबाइल रिपेयर करने वाली मशीन को चोरी कर लिया है। अंकित ने बताया कि उनका लगभग 1,25,000 रुपयों का नुकसान हुआ है। उन्होंने तुरंत चोरी की सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपनी जांच आरंभ कर दी है। पुलिस अधिकारी शमशेर सिंह ने बताया कि चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस रात को ही मौके पर पहुंच गई और CIE की टीम को भी जांच के लिए बुला लिया गया है। उन्होंने बताया कि दुकानदार के ताला खोलने पर एक व्यक्ति दुकान के भीतर मौजूद मिला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच जारी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शीघ्र ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। अंकित शर्मा है जी, मैं गांव दुमसी का रहने वाला हूँ। मैंने मोबाइल की दुकान की हुई है बाल्मीकि चौक पे। जब मैं रात को दुकान बंद करके गया तो सुबह आके देखा कि मेरी दुकान पे चोरी हुई मिली थी, ताला टूटा हुआ था। तभी मैंने सूचना पुलिस को दी और वो एकदम आके तफ्तीश करने लगे क्या हुआ। मेरा सामान लगभग 22 मोबाइल रिपेयरिंग के, 2 नए और 2 पुराने मोबाइल थे, जिसमें एक लैपटॉप भी शामिल था। मेरा सामान लगभग 1.5 लाख के आसपास बनता है, जिसमें मेरी मशीन जो 2 लाख की पड़ती है उसका एक जो पार्ट है वो भी गायब है। ऊपर से जो मेरे कैमरा है उसके फुटेज में मेमोरी कार्ड था वो भी गायब है और मेरे थोड़े पैसे कैश थे वो भी गायब है जी। अब एक 96 गांव का रहने वाला लड़का है जो कि उसके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है, वो मौके पे पकड़ा गया है। कैसे शक हुआ आपको बस वो पता चल गया ना, कैमरे की फुटेज में आ चुका था, उससे पता चल गया जी। घूमता हुआ कैमरे की फुटेज निकलवाई तो उसमें दिख गया था जी वो। इसको सूचना दे दी आपने? हाँ जी बिल्कुल, वो मौके पे आ चुके हैं और CIS टीम भी आ चुकी है मौके पे। पहले भी आता रहा वो कभी दुकान पे आया कभी? नहीं सर, वैसे मैंने पहले कभी नहीं देखा उसको दुकान पे जी। इसमें ऐसे थे अंकित शर्मा है दुमसी गांव से, इसने बाल्मीकि चौक मटकमादरी रोड पे मेन बाज़ार में दुकान कर रखी मोबाइलों की रिपेयर की जी। तो उसने सुबह आके दरखास्त पेश की है जी, बोले भी मेरी दुकान में चोरी हो गई है, परणवीर है गुरामगढ़ शानों को, उस पर शक है इसको, तो उसकी तफ्तीश के लिए ये आए हैं जी, मुकदमा दर्ज कर दिया जी। आगे हम मौका मुलाजा कर रहे हैं जी। तो क्या क्या चोरी हुआ बताया जी? मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया जी इसके, एक कोई ये कह रहा है जी कोई लैपटॉप वगैरह है और कुछ और अन्य सामान बता रहा है जी। कितने का अमाउंट का सामान बताया? अमाउंट तो अभी बताएगा जी, अपना बिल वगैरह देख के भी कितने अमाउंट का, कितने कौन कौन सा मॉडल का फ़ोन था। तो क्या कार्रवाई? कार्रवाई मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश करेंगे जी, जिसका नाम दे रहा है उसको पूछताछ करेंगे, शामिल तफ्तीश करेंगे जी, उसको चोरी ट्रेस कराएंगे जी। इनकी कब की बात जाता है? ये रात दुकान बंद करके गया जी, रात की वारदात है जी। अभी इसने आ गया, हाँ सुबह जैसे दुकान देखी है, दुकान में चोरी हुई पाई जी, तो ये थाने में गया था, वहाँ इसने दरख्वास्त पेश की, दरख्वास्त पे अपना FIR लॉज कर दी और इसके साथ ही मौके पे आ गया जी मौका मुलाजा करने के लिए। FSL की टीम भी आने लग रही जी, CIS टीम भी आने लग रही है जी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।